नमस्कार। मैं हमेशा की तरह आज फिर आपको नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी मेडिकल स्टोर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपको देता रहता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर जो मेरी अपनी वीडियो देखते हैं आप सभी का मैं तह दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप अपना नया मेडिकल स्टोर बनाने जा रहे हैं या आप अपने मेडिकल स्टोर में रेनोवेशन करने जा रहे हैं या फिर किसी कारण से आपका अपना मेडिकल स्टोर लंबे समय से आपने खोला हुआ है, कई सालों से आपने मेडिकल स्टोर खोल रखा है और आपके यहाँ पर वर्किंग अच्छी नहीं है, काम अच्छा नहीं है, आपको प्रॉफिट नहीं आता है, महीने के लास्ट में आप माइनस में ही जाते हैं, ऐसे क्या कारण बनते हैं, ऐसे किन किन कारणों की वजह से आप परेशान रहते हैं। सबसे पहले मैं जो बताना चाहूँगा आपको, आपके यहाँ पर फ्रंट का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए। कभी भी ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, हमेशा ही फ्रंट का एरिया आपका स्मूथ रहे। दूसरी बात, आपने अपने यहाँ पर फ्रंट में पानी का छिड़काव जरूर करना है। जब भी आपको मौका मिले सुबह दोपहर शाम, भले ही आप एक जग पानी का छिड़काव करें, आपको अपने यहाँ फ्रंट में पानी का छिड़काव डेली कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको मेन गेट कहाँ बनाना है, नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ के सेंटर तक इस हिस्से में आपने मेन गेट बनाना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने अपने यहाँ पे स्टोरेज किस तरीके से करनी है, काउंटर कहाँ और कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने स्टोरेज साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक, ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक, और आपको साउथ ईस्ट से भी ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक। इस वाले हिस्से में आप अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज किस तरीके से, रैक लगाकर। आप अपनी दुकान के अंदर रैक लगाते हैं तो साउथ वॉल पे, वेस्ट वॉल पे और ईस्ट वॉल पे आपने रैक लगाने हैं। आप अपने यहाँ पर फ्रंट में भी रैक लगा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको अपनी दुकान के अंदर काउंटर जो बनाना है ये आपका काउंटर बन जाता है। काउंटर से अंदर जाने का जो रास्ता बनाना है आपने यहाँ से बनाना है और दूसरा आपने यहाँ से रास्ता बनाना है। आपको अपनी दुकान में एक फ्रिज भी लगाना है। वो फ्रिज आपने कहाँ लगाना है, मैं कहूँगा आप उस फ्रिज को आप साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में कंप्लीट सेंटर साउथ तक आपको एक फ्रिज लगाना है। एक लगाएं, दो लगाने, दो लगाएं, आपकी इच्छा। यहाँ पर आपके स्टाफ की सीटिंग आ जाएगी। आप ओनर को जो बैठना है वो साउथ वेस्ट में यहाँ बैठना है और स्टाफ आपका यहाँ बैठ सकता है। जो कस्टमर आपके यहाँ मेडिसिन लेने आएगा वो कस्टमर आपका यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा। आपने अपने मेडिकल स्टोर में पीने का पानी कहाँ रखना है, पीने का पानी आप ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक के हिस्से में, इस वाले इस पार्ट में आप कहीं भी अपना पीने का पानी रख सकते हैं। आपको मंदिर कहाँ लगाना है, मंदिर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक के हिस्से में, मैं आपको कहूँगा कि आप इस वाले हिस्से में आप अपना मंदिर बनाएं, यहाँ खड़े होकर आपकी पूजा हो जाएगी। आपको अपने यहाँ पर और किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने अपने यहाँ पे इन्वर्टर लगाना है तो इन्वर्टर भी आपने साउथ ईस्ट में ही इन्वर्टर लगाना है। एक बल्ब या तो मंदिर में ही आप एक काम कीजिए, मंदिर में ही आप मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में आप सुबह से लेकर शाम तक जोत चालू कर दीजिए या फिर एक बल्ब लगा लीजिए सीलिंग से लटकता हुआ। आप इस तरीके से इन्वर्टर रखते हैं, मंदिर यहाँ बनाते हैं, जोत चालू करते हैं, बल्ब लगाते हैं और साउथ में आप अपने यहाँ पर फ्रिज रखते हैं, तो मैं एक बात कहूँगा आप कभी भी नुकसान में, घाटे में नहीं जा सकते।
आप हमेशा ही प्रॉफिट में बने रहेंगे, आपके अपने सिर के ऊपर कभी भी कर्ज नहीं आ सकता। पहली बात तो हर साल नहीं तो हर तीसरे साल में एक प्रॉपर्टी परचेज करते चले जाएंगे। क्या कहा मैंने, एक प्रॉपर्टी परचेज करते चले जाएंगे। क्या चीज़ होने पे, जब इस एरिए में हीट गर्मी आने से, फ्रिज लगने से, इन्वर्टर लगने से, जोत जलने से, मंदिर लगाने से, मंदिर में जोत जलाने से और बल्ब जलाने से। इसी के साथ साथ आपने अपने यहाँ पर अपनी दुकान आप बनाने जा रहे हैं तो आपने फर्श की ढलान भी नॉर्थ ईस्ट की ओर, कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की ओर करनी है। आपने अपने दुकान में फ्लोरिंग जो करनी है वो वाइट कलर की या क्रीम कलर की, दीवारों पे जो कलर करेंगे ऑफ वाइट कलर, सीलिंग वाइट कलर की, जो फर्नीचर बनेगा सारा का सारा फर्नीचर लाइट ब्राउन कलर का बनेगा, जो आपके अपनी चेयर आएंगे सारी की सारी, चेयर भी और स्टूल भी सारे के सारे लाइट ब्राउन कलर के आने चाहिए। आपको लगता है कि बंसल जी की वीडियो मैंने देखी है, वीडियो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है इस वीडियो में वो पूरी नहीं होती, मेरे को किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, आप निसंकोच होकर मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।